अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। एंड मैं सुबह सबसे पहले ब्रश वगैरह करने के बाद एक मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ। मुझे इसके बिना सुकून ही नहीं मिलता, तो मैं सबसे पहले मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, बस गुनगुना पानी या गर्म पानी और इसके साथ नींबू और शहद, इसको मैं अच्छे से मिक्स करके पी लेती हूँ सुबह सुबह। मैं हमेशा ही पीती हूँ, मैं स्किप नहीं करती। इससे बहुत ही फ्रेशनेस फील होती है। और मैं यहाँ पे बड़े सुकून से पी रही हूँ मॉर्निंग ड्रिंक। मुझे बिल्कुल भी हड़बड़ाहट पसंद नहीं होती है, स्पेशली अपने पर्सनल काम में। तो मैं बिल्कुल ही सुकून चाहती हूँ। जब मैं अपने लिए कोई काम करती हूँ तो मुझे बहुत सुकून चाहिए होता है। सो मैं यहाँ पे मॉर्निंग ड्रिंक ले रही हूँ। उसके बाद अब मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट आज बहुत ही शॉर्टकट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिया है स्वीट पोटैटो, शकरकंद और चूड़ा। दूध में खाते हैं इसको, तो मैं इसको कुकर में डाल के उबाल लूँगी धोकर। तो ये देखें, अब मैं इसमें सीटी लगा दूँगी। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बनके रेडी हो चुकी है, तो इसको मैं निकाल लूँगी बर्तन में। साथ ही साथ मैं लंच भी बना रही हूँ, और मैं यहाँ पे थोड़ी रोटी बना लूँगी, क्योंकि लंच में पापा जी चावल नहीं खाते हैं, रोटी ही खाते हैं, तो उनके लिए मैं रोटी ही बना लूँगी। बचे कुचे बर्तन को भी धो लूँगी। और सदर जी आ गए हैं किचन में, वो ना ज़ारा की जो सुबह सुबह दूध वगैरह देना होता है ना, तो वही देते हैं। मुझे टाइम नहीं होता है, क्योंकि मुझे नाश्ता खाना बनाना होता है, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो वो सुबह सुबह ज़ारा को दूध देकर फिर वो नाश्ता करके चले जाते हैं काम पर। तो सुबह की ड्यूटी उनकी होती है, और मेरा सिर्फ घर का ड्यूटी होता है।
और ये देखें ज़ायरा भी आ गई है किचन। वो हमेशा सुबह सुबह आ जाती है किचन में, मम्मा मैं भी खाना बनाऊंगी एंड मैं उसको ऐसे ही सेल्फ पे बिठा देती हूँ, फिर बाकी के सारे काम करती हूँ। तो अब वो जा चुकी हैं और मैं यहाँ पे लंच की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और जब तक किचन में चावल दाल पक रही है तो मैं इधर क्लीनिंग कर लेती हूँ सारे।
ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और मैं नहा कर आ चुकी हूँ, तो अब मैं थोड़ा करूँगी खुद को पैम्पर और थोड़ा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लूँगी। देन उसके बाद अब मैं लंच निकाल लूँगी, तो मैं यहाँ पे पापा जी के लिए लंच निकाल रही हूँ। वो रोटी खाते हैं और हम लोगों ने खुद के लिए चावल बनाया है। और लंच वगैरह करने के बाद ये देखें ज़ायरा कैसे आंगन में खेल रही है, मस्ती कर रही है काफ़ी ज़्यादा। ज़ायरा वो मेरी बात ही नहीं सुन रही थी, मैं उसको पकड़ना चाह रही थी, वो मेरे पास भी नहीं आ रही थी। और अब शाम की टाइम हो रही है, इस वक्त आई थिंक 6 बज रहे होंगे, और मैं इस टाइम में ही ज़ारा को डिनर कराती हूँ और फिर वो लेट नाइट फिर वो दूध पीती है, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। हलवा बनके रेडी हो चुका है, तो अब मैं पापा जी के लिए चाय बना लूँगी। मगरिब की अज़ान के बाद वो चाय लेते हैं, तो मगरिब की अज़ान हो चुकी है तो इसलिए मैं उनके लिए बना रही हूँ चाय, और साथ ही साथ ज़ायरा का हलवा भी ठंडा हो रहा है तब तक, और तब तक मैं पापा जी को चाय और बिस्किट दे दूँगी। और ये देखें डिनर में सदफ जी मेरी हेल्प कर रहे हैं। आज सदफ जी कह रहे थे कि मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ डिनर बनाने में, तो सदफ जी बना रहे हैं, पता नहीं क्या बना रहे हैं वो, और रोटियाँ भी सेक रहे हैं मेरे साथ। ज़ायरा देखिए कितनी खुश है, वो कैमरा देख के बहुत ही खुश हो जाती है ज़ायरा। और मैं सदफ जी को बोल भी रही थी, सदफ जी प्लीज़ आप काम मत करो ना, फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, कमेंट्स में सारे बोलेंगे जीजी से कितना सारा काम कराती हो आप। मैं नहीं बोलती उनको काम करने, वो खुद ही करते हैं, उनको अच्छा लगता है तो वो करते हैं, मैं नहीं बोलती उनको। जब उनके मूड पे अगर मूड है तो वो कर देंगे, फिर तो वो एक गिलास पानी भी नहीं लेंगे अगर उनका मूड नहीं होगा तो काम करने का, बस उनके मूड पे है। और मैं यहाँ पे थोड़ी बना रही हूँ अंडे की भुर्जी, और ये हमारा डिनर रेडी हो चुका है एंड अब हम लोग करेंगे डिनर। डिनर के बाद मेरी थोड़ी बहुत रूटीन होती है जो मैं क्लीनिंग करती हूँ किचन की, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई, बच्चे कुछ बर्तन क्लीन करती हूँ, उसके बाद मैं गैस सिलेंडर चेक करती हूँ, उसके जो रेगुलेटर होते हैं उसको ऑफ़ करती हूँ, सारे बाथरूम के दरवाज़े और मेन गेट वगैरह जो होती है एंट्रेंस वगैरह सारे चेक कर लेती हूँ, उसको मैं बंद कर देती हूँ गेट वगैरह अच्छे से, लाइट वाइट ऑफ करना, तो ये मेरी रात की ड्यूटी होती है। और फिर मेरी नाइट स्किन केयर रूटीन होती है, तो बस ऐसा ही होता है मेरा डेली रूटीन। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।